झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार सभी पार्टियों का स्टार प्रचारकों का दौरा झारखंड में जारी है। सभी नेता अपनी पार्टी को सक्रिय करने के लिए लगे हुए हैं, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। दो चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। 12 दिसंबर को रांची में तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। रांची सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे 12 दिसंबर को लेकर के, और इसी को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का तूफानी दौरा जारी है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास मांडू में से भाजपा के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के लिए चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री जिंदाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे थे। सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की। आप सभी सीएनटी एसपी एक्ट का बात जानते हैं, जल जंगल जमीन का भी बात करते हैं। इतना लोग को गुमराह कर, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर जल जंगल जमीन पर राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा झारखंड में अगर आदिवासी गरीब का जमीन लूटा तो ये सोरेन परिवार पूरी में जिम्मेदारी के साथ हर सभा में कहता हूं, बताओ रघुवर दास कहां सीएनटी एसपी एक्ट का उल्लंघन किया, कहां हमारी सरकार सीएनटी एसपी एक्ट का उल्लंघन किया। गोला का रहने वाला रांची में गरीब आदिवासी को दारू पिलाकर 4 लाख में करोड़ों का जमीन खरीद कर सोराय भवन बनाया, धनबाद में जमीन, बोकारो में जमीन, अब दुमका में जमीन, साहेबगंज में जमीन, पाकुड़ में जमीन, देवघर में जमीन, गोड्डा में जमीन, ये जमीन जमींदार बन गया। और जमींदार कभी भी मजदूर आदिवासी गरीब की रहनुमाई नहीं कर सकता। ये चरित्र आपको जानने की जरूरत है, कैसे जल जंगल जमीन के नाम पर इसने झारखंड की गरीब आदिवासियों की जमीन को लूटा। जंगल तो हमने बचाया, जहां 2014 में 29% जंगल से आच्छादित झारखंड था, आप सबके सहयोग से वन लगाकर आज झारखंड 33% वन से आच्छादित प्रदेश हो गया। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां आम लोगों को अपनी ओर खींचने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तमाम पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी क्रम में राजधानी रांची में आम आदमी पार्टी द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बताते हैं कि दूसरे चरण का मतदान सम्पन्न हो गया है, वहीं तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर को राजधानी रांची में होगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील कर रही है। आम आदमी पार्टी आज रांची के हर मोहल्ले में, हर गली में पहुंची है और हम लोग इस बार को छक्का नहीं लगाने देंगे। और 25 साल का जो उनका भ्रष्टाचार और कुशासन उसके खिलाफ ये चुनाव सीपी सिंह के जनता लग रही है, तो पार्टी राजन सिंह लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से रांची को